Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi, computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. 3 माह तक चलने वाले कांति देवी फाउंडेशन के पौधारोपण महाअभियान की आज से शुरुआत हो गई। न्यू मोहनपुरी के महाराणा प्रताप पार्क में आयोजित इस महाअभियान में सभी लोगों ने इस बात पर चिंता जताई कि पौधे हर साल बड़ी संख्या में लगाए जाते हैं, लेकिन देखभाल व रखरखाव के अभाव में ज़्यादातर पौधे सूख जाते हैं। पौधे का ख्याल बिल्कुल ऐसे रखना होता है जैसे मासूम बच्चे का। अभियान के तहत कांति देवी फाउंडेशन ने महाराणा प्रताप पार्क को उसकी दशा सुधारने के लिए कुछ अवधि के लिए गोद लेने की भी घोषणा की। इस मौके पर समाज की अनेक विभूतियों को संस्था की तरफ से सम्मानित भी किया गया। महाअभियान की शुरुआत अतिथियों द्वारा पौधारोपण से की गई। समारोह को संबोधित करते हुए छावनी परिषद की पूर्व उपाध्यक्ष वीना वाधवा ने यह कहा, आप सभी को मैं इस दिवस का हृदय से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और कांति देवी फाउंडेशन ने जो इस पुनीत कार्य के लिए जो संकल्प लिया, कार्य इतना पुनीत है। इन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा, जब हम कोई भी संकल्प लेते हैं तो वो अपने आप में सर्वोच्च स्थान ले लेते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं आप सभी के समक्ष एक बात रखना चाहूंगी कि 2012 में जब मैं छावनी परिषद की उपाध्यक्ष बनी, 2 बार बनी मैं, 2015 में भी, लेकिन 2012 में काउंसिलर थी। सभासद के रूप में मैं वहाँ पे विराजमान थी, मैं उपाध्यक्ष नहीं थी। तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि किसी भी जब हम संकल्प ले लेते हैं कार्य को लेकर, तो किसी पद की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपके संकल्प की जरूरत होती है, सिर्फ आपके इरादों की जरूरत होती है और कितना आप में उस काम के प्रति निष्ठा है उसकी जरूरत है। जब मैं सभासद थी तो कैंट में पॉलिथिन बैन करा दिए थे हमने। तो इसी तरह से बहुत मेहनत की हम लोगों ने, बहुत जागरूकता फैलाई कैंट में और फल ये हुआ कि बहुत जल्दी आबुलेन पे, सदर पे, बेगमपुर पे, तोपखाने, लाल कुर्ती, रजबन, सब जगह पॉलिथिन बैन हो गए। वहीं कवि सौरभ जैन सुमन ने यह कहा, जब अपने घर में मैं बोलता हूँ और ऐसे दिग्गज लोग बैठे होते हैं तो मैं बहुत कम बोलता हूँ। उसके पीछे कारण है हम कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी चाल चलना चलेगा, लेकिन अपने घर में तो सीधा चलना पड़ेगा जहाँ ऐसे लोग हो जो कान मरोड़ सकते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, ये जो काम है केवल इसके लिए 4 पंक्तियाँ भैया ने कही, अपनी नहीं। मुझे दुष्यंत, हमारे महाकवि दुष्यंत की पंक्तियाँ याद आती हैं और आप लोगों को लगे ये जो काम ये लोग कर रहे हैं, ये जो काम KDF कर रहा है, वो काम ये फैला क्या काम है। ये एक ऐसी नवीन चेतना है जो आप लोगों में निरूपित है। तो पन्नियाँ अब शुरू हो गई। मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, मैं मेरे बाबा जी के साथ जाया करता था तो घर से 2 या 3 थैले लेकर के हम लोग जाते थे और जाकर के सब्जियाँ लेकर के आते थे। मैं उनके साथ पैदल जाया करता था। आज दोबारा ये आवश्यकता बन गई। तब मैं कहता हूँ कि अगर कीड़ा बड़ा भी उठाया जाए लेकिन अगर मन से उठाया जाए, तब मुझे दुष्यंत जी की पंक्ति याद आती है कि रहनुमाओं की अदा पर फिदा है दुनिया, इस बहती दुनिया को संभालो यारो। कोई काम ऐसा नहीं है जो असंभव है, अगर प्रण ले ले तो सब कुछ संभव है। तब बोलता हूँ कि रहनुमाओं की अदा पर फिदा है दुनिया, इस बहती दुनिया को संभालो यारो। और कैसे नहीं होगा आकाश में सुराग, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। समारोह को वरिष्ठ समाज सेवी अशोक सुधाकर, पूर्व विधायक रविन्द्र भड़ाना, भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य करुणेश नंदन गर्ग, शिक्षाविद डॉक्टर देश दीपक अग्रवाल, CA अनुपम शर्मा, भाजपा नेता डॉक्टर अंजू वारियर ने भी संबोधित किया। फाउंडेशन की अध्यक्ष एडवोकेट हीना रस्तोगी ने यह कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, लोगों को जागरूक करें, क्योंकि पर्यावरण हमारे लिए एक जान कह दीजिए जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। इसीलिए उसको संजो कर रखना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, हमारा दायित्व बन जाता है। फाउंडेशन के द्वारा लगभग 10 से 15 हजार के मध्य अभी तक पौधे लगाए जा चुके हैं। भले ही हमारे पौधे लगाने की संख्या में कमी हो, क्योंकि हम ऐसी जगह नहीं लगाते हैं जहाँ पर उनकी देखभाल ना की जा सके। सदस्यों का मानना है कि जैसे बच्चों का लालन पालन किया जाता है, उसी तरीके से पौधों का लालन पालन भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर पौधों की आप देखभाल नहीं करेंगे, उनको लगा के छोड़ देंगे तो शायद वो पनप नहीं पाएंगे। और आप सभी को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने जितने भी पौधे लगाए हैं उसमें से मोर देन 90% पौधे जीवित हैं और सभी को छाया और फल प्रदान कर रहे हैं। फाउंडेशन प्लास्टिक मुक्त भारत के निर्माण में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की एकमात्र मुहिम है, उस पर भी विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। संस्था के द्वारा सूती कपड़े के लगभग 40,000 से अधिक थैले वितरित किए जा चुके हैं। जगह जगह लोगों को जाकर जागरूक करती है, क्योंकि प्लास्टिक हमारे लिए वरदान नहीं है, अभिशाप है। आपको बताऊंगी कि जब कोई भी व्यक्ति सब्जी लेने जाता है तो मेरे ख्याल से वो 8 या 10 सब्जियां खरीदता ही होगा, और अगर आप थैला लेकर नहीं जा रहे हैं तो वो सब्जी आप उन छोटी छोटी पन्नियों में करवाएंगे। ये पन्नियां ही हमारे नाले चोट होने का कारण बनती हैं, प्रदूषण फैलाने का कारण बनती हैं, क्योंकि इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसीलिए आपसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आप कम से कम उस थैले को लेकर जाएं और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें। इससे हमारा पर्यावरण तो सुधरेगा ही, साथ में हम जो दूसरों को दोष देते हैं कि हाँ प्लास्टिक बैन होनी चाहिए और कोई भी मुहिम नहीं चल रही है, आप सबसे पहले सर्वप्रथम अपने आप को बदलें। अगर आप आज से संकल्प लेकर इस मुहिम को चलाने की कोशिश करेंगे तो मेरा मानना है कि यकीनन एक दिन वो ऐसा आएगा कि प्लास्टिक स्वतः ही बंद हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।